भारतीय जनता पार्टी का 34 सीटों पर जो जनता ने विश्वास दिया है और आज स्वागत समारोह भी आयोजित हुआ है, सर आने वाले 5 वर्षों के अंदर आपके कार्यकाल में भी जो काम हुआ था वही काम जो अभी नया गठन हुआ है अभी बोर्ड का, तो वो के वो सारे काम है उससे भी अच्छे काम होने का है सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास पर विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी का नारा है, हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के सबसे यशस्वी नेता हैं, उनका मूल मंत्र यही है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। हम सभी आम जनता को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो यह बोर्ड बना है, हमारे सभापति दिनेश सिंह जी राठौर साहब बने हैं, उप सभापति मनोहर जी तारानी जी बने हैं, हमारे सारे पार्षद भाई और बहन जो जीत का हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि विकास की दृष्टि से इस किशन नगर परिषद को एक नया सौगात देंगे, एक सुंदर ये इस नगर का सर्वांगीण विकास करके इसकी सुंदरता में चार चांद लगाएंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। क्यों, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास में विश्वास करती है। आज मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे जो पार्षद जीत के आए हैं उनमें सब में उत्साह है, उमंग है, और आपके वार्ड में इस पूरे नगर परिषद किचड़ में विकास करने की उनकी एक लालसा है, तमन्ना है, और आदमी की जब नीयत साफ होती है तो फिर ईश्वर उसको मदद भी करता है। हमें खुशी है कि आज सारे पार्षदगण यहाँ पधारे, भाई बहन, हमारे सभापति उप सभापति और हमारे संगठन के सभी कार्यकर्ता यहाँ आए, और हम ये प्रण कर रहे हैं, अभी सभापति जी ने यही कहा कि आप अपने वार्डों में आप खुद आप सभापति हो, आप चेयरमैन हो, इसलिए हम सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की भावना से इस नगर परिषद किसान का चौमुखी विकास करेंगे। केंद्र की सरकार की कोई भी योजना है उन योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लाकर किसान नगर परिषद, किसान विधानसभा, अजमेर लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा क्षेत्र में विकास का काम करने की हम भरसक कोशिश करेंगे। एक सर बड़ा सवाल, जो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे अच्छे कार्यकर्ता थे जिन्होंने किसी न किसी नाराजगी के चलते दल परिवर्तित किया है, या ऐसा कह सकते हैं अभी दल से दूर हैं, लेकिन वो भविष्य में यदि अगर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो उनके लिए क्या प्रोसेस है सर? देखिए, मैंने पहले कहा हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। सभी जाति धर्म संप्रदाय सबका विश्वास जीतने का भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, और आपको पता है देश की नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हमें गर्व है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। यदि कोई कारणवश छोटी मोटी भूलवश यदि कोई कार्यकर्ता दाएं बाएं हो गए तो हम उनको वापस लाकर इस भारतीय जनता पार्टी का एक लक्ष्य है कि इस देश को परम वैभव पर पहुंचाना है, इसलिए वो तभी संभव है जब हम सब मिलकर ये कार्य करेंगे। सांसद महोदय, पूर्व जो विधायक की कार्यकाल था उसमें बहुआयामी कार्य हुए थे, लेकिन इस बार अभी जो किशनगढ़ के जो हालात है, अभी नवनिर्वाचित बोर्ड बना है लेकिन अभी कई जो लाइटें 30% लाइटें बंद पड़ी है, नालियों की अव्यवस्थाएं बनी हुई है, तो उसके बारे में सर जो आपका जो अनुभव है वो कहीं ना कहीं दिखेगा सर इस आगे वाले कार्यकाल में? देखिए, आपको महीना भर में पता लग जाएगा कि ये जो बोर्ड बना है इससे जो नगर में कुछ कमियां थी खामियां थी वो सब जल्दी से दूर होने वाली है। दूसरा, यह जो प्रदेश की जो सरकार है जो वादा खिलाफी करके आई 2018 में झूठे वादे करके, वो सपने दिखा के जनता को ठग कर जो उन्होंने 17 हथियाई थी, आज जनता उनसे उठ चुकी है। उन्होंने कहा किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे, आज क्या किया उन्होंने? उन्होंने फिर कहा नौजवानों को 3,500 रुपये हर महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे। फिर उन्होंने वादा किया था कि हम सत्ता में आगे 1 रुपया बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे। आज पहले 2 महीने में बिल आता था, हर महीने में बिल आने लग गया, और बिलों के तारों में करंट कम आ रहा है, बिजली के बिलों में करंट ज़्यादा आने लग गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ही आम जनता चाह रही है, चाहे पंचायत राज के चुनाव हो चाहे नगर परिषद के चुनाव, अजमेर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी का परचम फहरा है, जनता का पूरा भरपूर आशीर्वाद है, सहयोग है, और हमारी जनप्रतिनिधि ईमानदार है, स्वाभिमानी है, और इसलिए हम विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे।